नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से लाइव जुड़ते हैं और त्योंथर के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि सिद्धार्थ तिवारी राज के समर्थकों द्वारा और त्योंथर के बाकी अन्य लोगों द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि सिद्धार्थ तिवारी राज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भविष्य को देखते हुए आए हैं, आज उनका वर्तमान विधानसभा चुनाव में कोई टिकट नहीं मिलने वाली है, कोई योगदान नहीं है और त्योंथर से उसी को टिकट मिलेगा जो त्योंथर का लोकल है। बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है और सिद्धार्थ तिवारी जी का क्या मकसद है, इस बारे पे हम चर्चा कर रहे थे। कई तरह की पोस्ट आ रही हैं फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप में। कई ऐसे लोग हैं त्योंथर के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सिद्धार्थ तिवारी को अपना नेता मानते थे और आज उन्होंने पहले ही कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान अपने सोशल मीडिया और बाकी के माध्यमों से कर दिया है कि उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी राज को अपना नेता माना है और उनके साथ में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो त्योंथर में सिद्धार्थ तिवारी का वोट बैंक था उसने बीजेपी की सदस्यता ले ली है त्योंथर में। ऐसे में यदि बीजेपी सिद्धार्थ तिवारी को त्योंथर का टिकट नहीं भी देती है तो भी सिद्धार्थ तिवारी का दबाव, उनका इन्फ्लुएंस त्योंथर तहसील के विधानसभा टिकट में रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कांग्रेस को लेकर नुकसान हो या बीजेपी को लेकर फायदा हो। इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे थे और अब हमारे साथ लगभग 7 से 8 लोग जुड़ चुके हैं और मैं देखता हूं कि कोई है जो लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ में, स्क्रीन साझा करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि उनको भी कुछ कहना है वर्तमान त्योंथर राजनीति के ऊपर, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा और त्योंथर के जो एग्जिस्टिंग नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या वो बीजेपी में राजनीति करते हुए बीजेपी में रहकर अपने राजनीतिक अरमानों को पूरा कर सकते हैं, उनको भी नेतृत्व करने के लिए पार्टी मौका देगी या सिर्फ पार्टी बड़े नेताओं के पीछे घूमती रहेगी और बाहर से बड़े नेताओं को लाकर छोटी छोटी जगहों में जैसे त्योंथर है वहां पे ले आके उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। वक्त से वो कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं जैसे गोपाल तिवारी त्योंथर के, उनका भी पोस्ट देखा जिससे साफ होता है कि उन्होंने भी राज तिवारी के साथ में अपनी पार्टी बदल ली है। तो ऐसे में मेरा ये सवाल है कि यदि आप लोग बीजेपी की विरोधी नीतियों से बीजेपी को एक कम्युनल पार्टी मानते आए हैं, आपका देश के राजनीति में त्योंथर की राजनीति में लेकर काफी अलग विचार रहा है, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी राज के साथ में खासकर त्योंथर के उन कांग्रेसियों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो किस तरीके से आप कांग्रेस की विचारधारा को बदल कर बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की विचारधारा को अपना पाएंगे, कैसे करेंगे, यह तो देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है। इस राजनीतिक उठापटक का त्योंथर और रीवा की राजनीति में भविष्य में क्या असर पड़ेगा, वर्तमान में क्या असर पड़ेगा, इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़े। और दूसरी चीज, मैंने ये कांग्रेस पार्टी से अभी हमने धर्मेश शुक्ला को जोड़ा था और धर्मेश शुक्ला कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो एक कांग्रेस का एक धड़ा है जो सिद्धार्थ तिवारी राज के भाजपा में शामिल होने के लिए की वजह से काफी खुश भी नजर आ रहा है। अभिषेक जी, आपने कमेंट किया था, कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? त्योंथर से ही हैं? विजय भैया, मैं रीवा से हूँ। अच्छा, मैं जैसा देख रहा हूँ त्योंथर के लोगों के लिए इस तरह से, भैया अगर आवाज, तो फिर मैं फिर से सुनना चाहता हूँ,
दार दीवार में शुरू से ही कहा था कि मैं तेंथर में लड़ूंगा, तेंथर के लोगों के लिए लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और इस तरह डाइवर्ट करने का काम किया, लेकिन तेंथर के लिए अड़े रहे। तो ये चीज महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के जहां तक मैं आपको समझने की कोशिश कर पा रहा हूं तो या समझा हूं तो आपका कहना यह है कि सिद्धार्थ तिवारी कहीं ना कहीं त्योंथर से मन बना चुके थे कि वो विधानसभा का चुनाव त्योंथर से लड़ेंगे और इसी वजह से वो त्योंथर में सक्रिय थे, और आज जब उनको कांग्रेस पार्टी से मौका नहीं मिला तो वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ त्योंथर से चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइन किए हैं। लेकिन त्योंथर बीजेपी के लोग तो उनकी इस बात को नकार रहे हैं, वह ये बोल रहे हैं, ये पक्ष दे रहे हैं कि सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से चुनाव लड़ने के लिए नहीं, कोई बड़ी पारी खेलने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। हो सकता है कि वो विधानसभा नहीं लोकसभा का चुनाव लड़े और बीजेपी की तरफ से सांसद पद के लिए टिकट पाए। मैं बात रखूं क्या? हाँ हाँ रखिए, आप बात रखिए। कांग्रेस जिस तरह से गुड़ के लिए बोल रही थी, चाहते तो गुड़ भी चले जाते, परंपरागत सीट थी। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्होंने जो अपना विजन मन बनाया था, जो एक बार फिर से ब्रिजेश्वर लाइन पे आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करो, उस समय नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था। जी भैया, मैं ये बोल रहा था कि जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, देखिए इसमें बहस करना उनका वो पर्सनल मुद्दा है, उन आप लोग वो तो लेकिन अपने विकास त्योंथर के विकास के लिए सोच रहे हैं, त्योंथर के लोगों के लिए ये ना सोच रहे हैं। यदि उनको चुनाव लड़ना होता तो आप विधानसभा चूज कर सकते थे, उनकी हर विधानसभा में, यदि वो सिरमौर चाहते तो सिरमौर में भी वो अच्छी टक्कर देते दिव्यराज जी को, वो गुड़ जाते तो गुड़ में भी वो अच्छी टक्कर देते, यदि कपित कांग्रेस से वो रहते तो भी अच्छी टक्कर देते नागेंद्र सिंह जी को, यदि वो भाजपा से होते तो कपिद्योत सिंह को अच्छी टक्कर दे सकते थे। यदि ये कहा जाए कि सिद्धार्थ तिवारी जी ने ब्राह्मण का मतदाता ज्यादा होने के कारण त्योंथर से उन्होंने चूज किया तो ये गलत बात है। गुड़ में काफी ब्राह्मण है, त्योंथर की अपेक्षा ज्यादा ब्राह्मण गुड़ में है, सिरमौर में भी ब्राह्मण है, उन्होंने त्योंथर के लिए कुछ सोच कर उनका कुछ प्रेम रहा होगा और उन्होंने त्योंथर सीट चुना। अभी जब तक लिस्ट नहीं आ जाती ये कहना गलत होगा कि सिद्धार्थ तिवारी जी त्योंथर से चुनाव लड़ेंगे। त्योंथर से यदि सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिलता है तो उसमें से बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता होंगे जो बड़े नेता हैं, जिनकी भी पकड़ है, मतलब 10 से 20 हजार वोट बैंक जिनका खुद का है जी, वो भी हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ऐसे में यदि बीजेपी से एक भी स्थानीय नेता अलग से निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी में, अभी बीएसपी ने टिकट फाइनल नहीं किया है, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट फाइनल नहीं किया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो राज को एक्सेप्ट करेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको जिताने में पूरा सहयोग करेंगे। भैया मेरा ये कहना है कि यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थ भैया को टिकट देती है तो यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको मौका देना चाहिए। देखिए भारतीय कांग्रेस पार्टी से रमाकांत तिवारी जी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, वो कांग्रेस के नेता थे। दूसरी बात, यदि त्योंथर के लोगों से प्रेम है और त्योंथर की जनता चाह रही है सिद्धार्थ भैया को तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। फिर दूसरी बात, बड़े नेताओं की नहीं, तुम बड़े नेता एक दो नेता है, मेरे समझ से ये कहना गलत होगा कि नहीं लोगों के पास वोट नहीं है, जनसमर्थन नहीं है, एक दो नेता है, यदि वो बगावत करते हैं तो 5,000, 10,000, 15,000 वोटों का नुकसान होगा और इसको सिद्धार्थ तिवारी जी कहीं ना कहीं इसमें फंस सकते हैं यदि कोई बगावत करता है तो। अच्छी बात है, आप आसान भी थे, कहीं ना कहीं ये स्थानीय नेताओं की भी कमी है कि वो जनता की नजरों में फेल हुए, इस वजह से किसी और को आना पड़ा। जी जी, सबसे बड़ा मुद्दा भैया यही है कि लोगों ने, वो कहां थे 5 साल जो टिकट मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार जम के हुआ रोड में, पुलिया में, सड़क में, विधायक निधि में, या यूं कहें तो लगभग लगभग हर चीज में कहीं ना कहीं कमी रही, लेकिन किसी भी स्थानीय बीजेपी नेता जो अभी एग्जिस्टिंग में है उन्होंने आवाज नहीं उठाई। टिकट मिलना जीत की गारंटी नहीं होती भैया, सिद्धार्थ तिवारी यदि त्योंथर से लड़ते हैं तो जीत की गारंटी ही है एक प्रकार से। अगर पार्टी बोलती है कि नहीं आप इस बार चुनाव मत लड़ो सिर्फ सहयोग करो, तो भी कैसे, क्या रणनीति रहेगी सिद्धार्थ तिवारी के समर्थकों की?
उन्होंने पार्टी से क्या बात किया उनका मैटर है भैया। फिर दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी जी को टिकट देगी तो मैं, मुझे जितना भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी है, वो पूरी तरह से यहाँ के नेताओं का जब समर्थन रहेगा, वो यहाँ के नेताओं को आश्वस्त कर लेंगे, मना लेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थ तिवारी जी को त्योंथर से लाएगी। नहीं तो पार्टी कभी भी त्योंथर से, यदि यहाँ के स्थानीय नेताओं का सपोर्ट नहीं रहेगा तो किसी भी हालत पे टिकट की आशा में है भैया, और उनको टिकट मिलना भी उनको मिलेगा, कुछ न कुछ मौका पार्टी उनको देगी। तो मतलब अभी इस तरह की बीजेपी हाई कमान से अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई होगी स्थानीय नेताओं से कि हम इसको टिकट दे रहे हैं, आप सब लोग इसके अंदर काम करो? तो नहीं भैया, पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी जब तक पार्टी यहाँ के स्थानीय नेताओं को पूरी तरह से उनसे आश्वस्त नहीं हो जाएगी कि सिद्धार्थ तिवारी को उधर से टिकट देते हैं, और वो यदि पूरी तरह से सिद्धार्थ तिवारी समर्थन नहीं करते हैं, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है, अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ती है, जब तक संगठन यदि आश्वस्त नहीं करेगा तो मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को अपनी जानकारी के अनुसार कि सिद्धार्थ तिवारी जी को टिकट नहीं मिलेगा। और यदि यहाँ के लोग समर्थन करते हैं, यदि उनको लगता है कि हम सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ चल पाएंगे, तभी पार्टी उन्हें टिकट देगी, और सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी यदि उनको चेहरा बनाती है तो अच्छे मतों से विजयी होंगे। अच्छा, अभी जैसे हाल ही में खबर आई, एकदम लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि अभय मिश्रा जी फिर से कांग्रेस में वापस चले गए, क्या कहेंगे अभय मिश्रा जी के बारे में? अभय मिश्रा जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ दिन बाद आप देखिए वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे जो समझ में आ रहा है कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी ना उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, आप देखिएगा आने वाले समय में, और उनकी बहुत बुरी तरह से हार होगी। इस तरह के दल बदल वाले ने सिद्धार्थ तिवारी से आप अभय मिश्रा की तुलना नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ का एक वजूद है, एक अस्तित्व है, अभय मिश्रा जी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो एक महीने में कांग्रेस, एक महीने में भाजपा, तो उनके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। कि जब अभय मिश्रा भी आज के टाइम में छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है ना, उनके साथ भी ढेर सारे जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, पर मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट, कांग्रेस पार्टी का यदि कुछ अस्तित्व हो तो उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से इलिगेशन और आरोप लगा के उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था, अभी एक महीने ही पहले ही उन्होंने कमलनाथ जी को पता नहीं क्या क्या बोला, राहुल गांधी पर पता नहीं कितने भद्दे कमेंट्स हुए उन्हें, और इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी उन्हें ज्वाइन करवाती है और टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। दूर दूर तक नागौर सीट एक कांग्रेस की चल रही है, जहाँ पे प्रत्याशी बदलने की कुछ बात चल रही है, बाकी उसके अलावा कहीं भी कांग्रेस प्रत्याशी बदलने के उसमें नहीं है, जो हम लोग को जानकारी है मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के सारे प्रत्याशी जितने हुए थावत रहेंगे, त्योंथर तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। यदि त्योंथर में ऐसा कुछ होना होता तो कभी भी रामशंकर सिंह जी का टिकट पार्टी फाइनल नहीं करती, और यदि कांग्रेस पार्टी ने रमाशंकर जी को टिकट दिया तो मुझे नहीं लगता कि त्योंथर में कोई बदलाव होगा। तो उनको बताया गया कि सर्वे के आधार पे कि रमाशंकर जी एक नंबर पे हैं, सिद्धार्थ जी दो नंबर पे हैं, पता नहीं कौन सा उनका सर्वे था कमलनाथ जी का, ये हम लोग के समझ से तो परे है। सिद्धार्थ तिवारी जी के पूरे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के अब साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का चाहे जिसे भारतीय जनता पार्टी चेहरा बनाए वो उनके साथ रहेंगे पूरी शक्ति से, पूरी ताकत के साथ, और उस प्रत्याशी को विजय प्रदान करने में अपनी अपना पूर्ण मदद करेंगे, पूर्ण सहयोग करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक त्योंथर से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक त्योंथर से बनेगा, और फिर से वही टीना टप्पर 3.5 लाख अभी मध्य प्रदेश के किसी विधायक ने अपील किया था मुख्यमंत्री कार्यालय में कि गिना जाएगा। बताइए ना आप, त्योंथर तहसील की बात आप ले लीजिए, आधुनिक तहसील निर्माण हो रहा है, तहसील का जो भवन बन रहा है उसमें भी उसकी भी गुणवत्ता में समस्या है, मिट्टी बालू नहीं मिट्टी यूज किया जा रहा है रोड के बनने में, घटिया क्वालिटी की सीमेंट, कम सीमेंट डाल के रोड बनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजापुर से पचामा रोड के बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो एस्टीमेट के आधार पे ही काम हो रहा है, जो उनको एस्टीमेट मिला है, जो उनको गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, उसी आधार पे कार्य हो रहा है। मैं उस कार को खुद देखता रहता हूं अपने हिसाब से, अपनी कहने का ये मतलब है कि सरकार ही गुणवत्ता विहीन काम करने के लिए टेंडर देती है। टेंडर भी देना विधायक जी का काम नहीं है, ये तो देखिए टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर होते हैं इनमें, इसमें ये कहना कि
दे दिया गया ये गलत होगा। अच्छा रोजगार के मुद्दे पे क्या बात करेंगे? त्योथर में भैया सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे है रोजगार, दूसरा मुद्दा नशाखोरी बंद होना, सबसे बड़ा मुद्दा त्योथर का है नशाखोरी। मैं इसका शिकार रह चुका हूँ और मुझे जो मेरा अनुभव जो कहता है कि रोजगार की व्यवस्था हो जाए और ये नशाखोरी बंद हो जाए तो त्योथर पहले से ही इतना संपन्न है कि उसे ज्यादा संपन्न करने की जरूरत है। त्योथर आज जिला बनने की सारी पैमाने, जितने पैमाने सभी पैमाने पे, आप जिस पैमाने पर देख लीजिए त्योथर जिला बनने के लिए आज तैयार खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये नहीं बंद हो पा रहा है इसलिए कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि या बिना सत्ता पक्ष के भी जो नेता है उनके सह से ये सब चीजें हो रही है। कोई भी आजकल यदि कोई गांजा बेच रहा है तो उसको किसी न किसी नेता का समर्थन है, तो लोग को खुद को सुधारना पड़ेगा। नेता के समर्थन का ये मतलब है कि समाज को खोखला कर दिया जाए क्या? हमारे पास ऐसे तंत्र नहीं है जिनका 5 साल में चुनाव नहीं होता, जिनको ये डर नहीं होता कि 5 साल बाद मैं विधायक रहूंगा कि नहीं? इन सब चीजों का एक भैया हल है कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन करे जो इन सब मुद्दों पे मुखरता के साथ आवाज उठाए और हमारी समस्या का समाधान करे। और जनता को तय करना है कि शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहोगे आप? अपने त्योथर की शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसी है? त्योथर की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि त्योथर की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। यदि त्योथर की शिक्षा व्यवस्था खराब ही होती तो हमारे त्योथर की बेटी ये प्रदेश में और जिले में, त्योथर का बेटा और बेटी जिले में और प्रदेश में नाम नहीं करता। आप ये देख सकते हैं, इतिहास उठा लीजिए, पुराना देख लीजिए, अभी नया का वर्तमान में देख लीजिए कि हमारे सरकारी स्कूलों से बच्चे टॉप कर रहे हैं। यदि त्योथर की शिक्षा व्यवस्था खराब ही होती तो जिले में टॉप नहीं करते, वो प्रदेश में टॉप नहीं करते। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। विक्रम सिंह जी आप हमको देख रहे थे, कुछ टिप्पणी करिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या बात करें, क्या क्या सुनना चाहते हैं आप बताएं। मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई बताओ कि क्या चल रहा है। देखिए सच्चाई तो ये है, घूमा है काफी, ये सच्चाई तो ये है कि पिछले 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे शैक्षणिक व्यवस्था इस स्तर पर हो गई है कि त्योथर का जो मॉसेस कैटेगरी का सर्व समाज का, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के लोग हो, उनके यहाँ के बच्चे 12 साल की उम्र से ही बड़े शहरों की ओर रुख करने लगते हैं, एक लेबर के रूप में, एक चौकीदार के रूप में, एक वेटर के रूप में, एक ड्राइवर के रूप में, एक सुपरवाइजर के रूप में। यही हकीकत है। अभी खेती का समय चल रहा है, त्योथर के लगभग लगभग गांव में कोई न कोई ऐसा टोला, कोई न कोई ऐसी बिरादरी, सब बिरादरी के लोग, कोई छोटा नहीं है, रास्ते के लिए, आम रास्ते के लिए तरस रहे हैं और 100-150 साल से उनके यहाँ कोई अगर रास्ता नहीं है तो शासन की कोई भी इमरजेंसी सुविधा नहीं पहुंच सकती। बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, बच्चों के हिस्से की एक पैरासिटामोल नहीं। अभी 2-3 महीना पहले सामुदायिक अस्पताल चाकघाट में मैं गया था, एक छोटा सा टिटनेस का इंजेक्शन नहीं। पिछले 3-4 साल से जो है, 3-4 साल से ड्रेसर रिटायरमेंट हो गया तो ड्रेसर की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। पांच पांच डॉक्टरों के पद सृजित हैं। आप समझिए कि एक गायको की डॉक्टर आज तक नहीं हो पाई, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। शायद किसी टेक्निकल रीजन की वजह से विक्रम सिंह जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको हम फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे। जो वोटर है, मेरा ये मैसेज वोटर्स के लिए है कि अब आप लोग बदलिए, बदलाव का वक्त आ गया है, अदरवाइज आपको ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप गलत लोगों का चुनाव करते रहेंगे, यदि आप गलत लोगों को चुनेंगे तो आपकी किसी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप लोग ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे जो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छा हो, तब तक किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बात से आप लोग परेशान होते रहोगे। बहनों के लिए जो खाना आता है वो
आंगनबाड़ी और उनके घर परिवार के लोगों में जो जो आंगनबाड़ी चला रहे हैं उनके घर परिवार के लोगों की भैंस खाती हैं, गाय खाती हैं ताकि ज्यादा दूध दे सके, लेकिन वो जो पंजीरी मिलती है पंजीरी तक गरीबों को नहीं मिल पाती। और जब गरीब लेने जाते हैं तो आंगनबाड़ी वाले ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई एहसान कर रहे हो उन गरीबों पे। अब मैं इस लाइव सेशन को विराम देता हूं और फिर से हम जुड़ेंगे, आपको सूचना दी जाएगी, और तब तक के लिए आप लोग द खबरदार न्यूज से जुड़े रहें। आपको द खबरदार न्यूज में अनपेड खबरें मिलेंगी, कोई पीआर नहीं, कोई किसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। ईमानदारी के साथ हमारी कोशिश है कि एक सही व्यक्ति का चुनाव जनता कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी त्योंथर वासियों को जय श्री राम।